हाय दोस्तों, मैं हूँ माधुरी और ओरिजिनल फूड रेसिपी बाय माधुरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज मैं एक फिर से नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो बरसात का मौसम चल रहा है, तो चलिए अब हम आम का अचार डालते हैं और बताएंगे आपको कि आपका सालों साल टिकने वाला अचार कैसे बनाएंगे, जो एक साल नहीं बल्कि दो दो साल तक भी आप चला सकते हो अपना अचार। तो चलिए आज आम का अचार बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई ले ली है, मैं 2 किलो आम का अचार बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने काट कर ये आम जो है ये रख लिए हैं, काट कर धोकर, और इनको सुखा भी लिया था, थोड़ा कपड़े से पोंछ लिया था मतलब। और चलिए अब मसाला सेट करते हैं शुरू। तो ये देखिए, मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं मसाला सेकूंगी फिर उनको पीसूंगी। तो आम के अचार के लिए सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें सरसों का ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 किलो आम के लिए ये देखिए, मैंने ये 250 ग्राम ये मेथी ले ली है, और ये देखिए ये कम से कम 500 ग्राम से थोड़ा कम होगा ये राई है, राई जिसे सरसों भी बोलते हैं। तो ये काली और सफ़ेद दोनों तरह की है, तो ये दोनों ले ली हैं, और थोड़ी सी सौंफ भी ले ली है, जिसे हम कम से कम 100 ग्राम के लगभग सौंफ डालेंगे इसमें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ऑयल गरम हो गया है, तो सबसे पहले इसमें मेथी डालते हैं और मेथी को हम सेक लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मेथी को सेक लेना है, बिल्कुल धीमी आंच पर हमें कम से कम अच्छी लाल हो जाए ना तब तक सेकना है। एकदम काली नहीं करना है, एकदम खैरी नहीं सेकना है, लेकिन हाँ लाल होने तक सेकना है, कच्ची नहीं रहने देना है, क्योंकि अच्छी खैरी सिकेगी तो अच्छा बढ़िया अचार रहेगा, सालों साल चलता है। तो आज एक नया तरीका मैं बताऊंगी आपको, कम तेल और कम मसालों में भी आपका सालों साल चलने वाला आम का अचार। चलिए तो इसको सेकते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए ऑयल गरम हो चुका है, देखिए मैंने बंद कर दिया था इसे, देखिए गरम हो गया है, 2 मिनट के लिए गैस खोली थी, और अच्छे से ये देखिए उतना ही ऑयल है, 250 ग्राम ऑयल, ये गरम हो चुका है। और चलिए तो अब मसाला ऐड करते हैं आम के अचार में। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आम है, ये देखिए ये आम है, इसमें मैंने ये देखिए सौंफ डाल दी थी, सौंफ और राई ये मैंने पहले से डाल दी थी, सेक कर तुरंत के तुरंत इसी में मिला दी थी मैंने, क्योंकि इसको खड़ा ही डालना है, पीसना नहीं है। और ये देखिए, ये जो है ये मैंने मिक्सी में ये देखिए इस तरह से पीस ली है, इतना महीन पीसना है। तो ये है मेथी, तो सारी मेथी डाल देंगे, ये जितनी मेथी थी 250 ग्राम मेथी, और तो इसको डाल देंगे पूरा का पूरा, ये देखिए इस तरह से डाल देते हैं। आप एक बार मेरे इस आसान तरीके से जरूर बनाइएगा अचार और देखिएगा, सालों साल आपका अचार चलता रहेगा और कभी भी ख़राब नहीं होगा। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, जब ये अचार डल जाए तो अचार को ना कम से कम 3 से 4 दिन तक रोज़ उसे चलाते रहना है, मतलब उसको थोड़ा उलट पुलट करते रहना है बस। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपका अचार बिल्कुल ना ही ख़राब होगा और ना ही उसमें पानी आएगा। किसी किसी का अचार पानी छोड़ देता है, तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो कभी भी पानी नहीं छोड़ेगा आपका अचार। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें ये डाल लिया है मसाला, देख सकते हैं आप। और अब देखिए मैं बताती हूँ आपको
कि और मसाले क्या क्या डालने हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, ये तीन चीज़ें मैं मिला चुकी हूँ, सौंफ, राई और मेथी। तो अब मैं इसमें मिर्ची डालूंगी और इसमें हल्दी डालूंगी। तो ये देखिए मैं ले लेती हूँ हल्दी और मिर्ची। तो ये देखिए सबसे पहले मिर्ची डालना है। तो ये देखिए ये लगभग 50 ग्राम होगी, और भी मिर्ची डालूंगी मैं इसमें। आपको जैसा भी डालना हो और तीखा करना हो तो आप वैसा भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हल्दी पाउडर डालेंगे, तो हल्दी इसमें लगभग पड़ेगी 200 ग्राम से भी कम हल्दी पाउडर डाल देना है अच्छा कलर आने के लिए। तो बस ये दो चीज़ें ऐड कर दी। और अब डालेंगे इसमें नमक। तो ये देखिए 2 किलो आम का अचार है, तो लगभग इसमें 1 किलो नमक पड़ेगा, 1 किलो से थोड़ा कम। तो ये देखिए मैं नमक डालती हूँ, ये 1 किलो का पैकेट है, और इसमें डाल देते हैं नमक। कम से कम 2 किलो में, आधा किलो से ज़्यादा, हाँ आधा किलो से ज़्यादा नमक डाल देना है, क्योंकि नमक से सालों साल अचार बना रहता है। नमक कम नहीं होना चाहिए, नमक की कमी से अचार खराब हो जाता है। इसलिए ये खास विधि है, ये हमेशा याद रखिएगा आप, कभी भी नमक अचार में कम नहीं होना चाहिए। अगर नमक अचार में कम रहा तो आपका अचार खराब हो सकता है। ये देखिए ये मैंने डाल दिया है, 1 किलो का पैकेट था तो मैंने ये 3 पाव नमक डाल दिया है, मतलब आधा किलो से ज़्यादा। और अब इसमें डालते हैं, इसमें ये देखिए ये जो ऑयल किया था ना गरम, तो ये डाल देंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से, ये बाद में नहीं डालती हूँ मैं, हमेशा अचार के साथ में ही डाल देती हूँ, मसाले के साथ में। मैं कभी भी इसे अलग से नहीं डालती हूँ, कोई कोई अलग से डालता है, कहते हैं बाद में अचार के डिब्बे में भर देंगे तभी तो वो अचार बेकार लगता है, ऑयल ऊपर आ जाता है ज़्यादा, और इस वजह से अचार का स्वाद भी बिगड़ जाता है और अचार एकदम से ऑयल में डूबा रहता है। तो आज अगर आप इस तरह से अगर अचार डालेंगे तो आपका सालों साल चलेगा, और बल्कि आपका ऑयल और मसाला दोनों ही बचेंगे और साथ में टेस्टी लगेगा अचार। आपको थाली में परसो तो बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, तो कितना बेकार लगता है, वो ऑयली ऑयल, कोई तो खाता भी नहीं है ऑयल देखकर। तो इस वजह से इसमें ऑयल नहीं आएगा, बस इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिला देना है, और मिलाने के बाद इसे रख देना है ढककर। तो कम से कम 4 दिन तक आपको लगातार इसे उछालना है, मतलब इसी तरह से चला देना है, ताकि ये अचार आपका पूरा का पूरा मिल जाए अच्छे से, इसमें अच्छे से पूरा मसाला मिल जाए। मसाला मिल जाएगा अच्छे से तो आपका ये अचार पूरा का पूरा टेस्टी बनेगा, कहीं मिला कहीं नहीं मिला तो आधे आधे जगह पे उसका मसाला चला जाएगा इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देख रहे हैं आप, देखिए कितना बढ़िया कलर है, कितना बढ़िया लग रहा है ये अचार देखने में भी। और उसमें आप देख सकते हैं मसाला कम भी नहीं है, 2 किलो आम में जितना मैंने मसाला बताया है आपको, आप देख सकते हैं उतना ही मसाला इसमें परफेक्ट पड़ा है। देखिए बिल्कुल भी कम नहीं है मसाला। अभी ये जब 3-4 दिन बाद ये अच्छा मसाला ऐड कर लेगा अचार, तब आप देखना बढ़िया स्वादिष्ट अचार पूरा का पूरा आम मसाले से भरा हुआ होगा आपका। कहीं पर भी बताइए आप कम लग रहा है, कितना बढ़िया है। ये देखिए तो
बस इस तरह से आप 2 किलो का आप तो 20-20 किलो अचार भी एक साथ डाल सकते हैं अगर आप इस तरह से डालेंगे तो। ये देखिए डल चुका है अपना अचार। तो अब मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। आपको अगर मिर्ची ज़्यादा तीखा अचार पसंद हो तो आप और भी मिर्ची डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा मीडियम खाते हैं तो इस वजह से मेरे लिए ये ठीक है। ये देखिए बताती हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से छाल कर इस तरह से आप अचार को उछालिए। ये देखिए हो गया ना बढ़िया, है ना बढ़िया। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, ये मेरी आसान विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन अच्छी अच्छी रेसिपी को नई नई रेसिपी और आसान तरीके से सब कुछ मिलता रहे। ये देखिए हो गया है। तो आपको अगर ये मेरे अचार की विधि पसंद आई हो, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए अगर आप इसी तरह से अचार बनाना चाहते हैं मेरी तरह से और अच्छी अच्छी रेसिपी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं और इसे ढककर रख देते हैं और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। चलिए तो बाय बाय। हेलो दोस्तों, ये देखिए अचार कितना बढ़िया हो गया है। ये देखिए मैंने छोड़ दिया, अभी 1 ही घंटा हुआ है इसे डाले हुए। देखिए इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है तो ये कितना बढ़िया लग रहा है। तो 2 किलो अचार में सिर्फ 250 ग्राम ऑयल डला है और ये देखिए आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए छोड़ दिया ना ऑयल, देखिए पानी बिल्कुल नहीं आया है, इतना बढ़िया अचार लग रहा है। ये देखिए ऑयल है, बढ़िया अचार डला है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए अचार का और भी रेसिपियों का, तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताएं कैसी बनी है और लाइक करें। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय बाबा की।